जय भीम मैं चेतना, जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु से आए किसान दिवंगत साथियों की खोपड़ियों के साथ जंतर मंतर पर कर रहे हैं प्रदर्शन। कर्ज माफी की मांग को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। धर्माबाद में मिर्च कारखाने का किया जा रहा है विरोध। कारखाने को वैध बताकर कारखाने शुरू रखने की मालिक कर रहे हैं बात। और बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में तहसील कार्यालय पर डॉक्टरों ने निकाला मोर्चा। डॉक्टरों पर हुए हमले का मोर्चे में किया गया विरोध। अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु से आए ये किसान इस जंतर मंतर पर उन दिवंगत साथियों की खोपड़ी के साथ आंदोलन पर बैठे हैं जिन्होंने कर्ज के बोझ से परेशान होकर खुद की जान ले ली। इन किसानों की मांग है कि सूखे की वजह से हुए नुकसान के लिए सरकार इन्हें मुआवजे दे और इनका कर्ज माफ करे। महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी की मांग को लेकर कई आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी इसकी मांग बढ़ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु से आए ये किसान उस दिवंगत साथियों की खोपड़ी के साथ आंदोलन पर बैठे हैं जिन्होंने कर्ज के बोझ से परेशान होकर खुद की जान ले ली। ऐसा आंदोलन आप शायद पहली बार ही देख रहे होंगे, लेकिन ये एक महज आंदोलन न होते हुए किसानों की आवाज़ है जो कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं। दौरान आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारा कर्ज माफ कर दे और हमें मुआवजा दे। जंतर मंतर मैदान पर बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह इनसे मिलने आए और इन्हें आश्वासन दिया कि इनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। कर प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से इनकी जानकारी दूंगा, फिर इनके समस्या का समाधान कैसे हो सकता है वो मैं अवश्य ही करूँगा और कल इनके प्रतिनिधिमंडल को ले जाकर लोगों से मिलाऊंगा। अभी बातचीत की जानकारी करने में है। जयललिता ने पिछले साल कोऑपरेटिव बैंक से लिया हुआ इनका कर्ज माफ कर दिया था। अब देखना ये है कि केंद्र सरकार इस पर कितना जल्द फैसला लेती है और इनकी समस्याओं को हल कर पाती है। नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले धर्माबाद की मिर्ची महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरे कर्नाटक में फेमस है, लेकिन आज इस मिर्च के कारखाने को लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है। यहाँ के स्थायी लोग इस कारखाने के मालिकों का कहना है कि ये सभी कारखाने वैध है जिसे कदापि बंद नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के धर्माबाद में मिर्च के कई निजी कारखाने हैं जिसके मिर्च महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पूरे कर्नाटक में फेमस है, जिसे लोगों की बड़ी मांग है, लेकिन इस कारखाने को लेकर एक बवाल सा मचा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कारखाने के कारण लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। इन कारखानों से निकलने वाली मिर्च पाउडर के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिस कारण स्थानीय लोगों को कई बीमारियों ने जकड़ रखा है। इसलिए स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कारखाने को जल्द से जल्द बंद किया जाए, लेकिन इस निजी कारखाने के चेयरमैन शेख अमीरुद्दीन का कहना है कि इस कारखाने को सरकारी परमिशन के साथ शुरू किया गया है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। इंडस्ट्रीज एरिया का चेयरमैन हूँ साहब मई, मेरा नाम है अमीरुद्दीन शेख मईउद्दीन और यहाँ पर मैं 30 साल से मिर्ची का कारोबार करता हूँ और मेरा जनता इंडस्ट्रीज कारखाना है। मेरे पास से पूरा ऑल इंडिया माल जाता साहब और इसके अंदर क्या है, माल नंबर एक माल देते हैं यहाँ पर लोगों को और कम से कम आंध्रा की पब्लिक इतनी आती कि हम धंधा करना मुश्किल हो जाता और इतने लोग आते कि माल अच्छा मिलता, अच्छा रहता। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इधर औरंगाबाद तक जाता साहब माल और दुबई भी गया हमारा माल और ये सब माल जाने से करने से ये हो रहा साहब। और गैर कानूनी आजू बाजू वाले इंडस्ट्री जोन में रह गए साहब, उन्होंने ऐसा सता रहे हमारे को ढांस आ रही, वो आ रही, ये आ रही बोल के और इसके अंदर क्या है, गैर कानूनी बन लिए उन्होंने, पूरे अतिक्रमण कर लिए हमारे इंडस्ट्रीज की जगह को और सब लोग आके हमारे को सताना चालू करें साहब। और हम कलेक्टर को नियोजन दिए और SP को दिए, सब जगह अभी हम पूरे एप्लीकेशन लगाए साहब। इस कारखाने से स्थानीय लोगों को तकलीफ हो रही है तो इस कारखाने को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि उन सभी लाखों कामगारों का क्या जो इस कारखाने में काम करते हैं। मिर्ची अच्छी मिलती बल्कि निजामबाद से आके हम लोग लेके जाते मिर्ची हमेशा, नहीं बोले तो 15-20 साल से लगे आ रही में मिर्ची हमेशा, हर साल को साल आते 10 किलो 20 किलो 25 किलो मिर्ची लग जाते, लाल अच्छी नंबर एक रहती बल्कि यहाँ आके लग जाते। लफाना के अंतर मंदिर तुम्हें 1-1 लाख पगार घेत्या, 50,000 पगार आए, आम्ही 100-200 रुपयाचं काम, आता काम शेतामध्ये काम नाही। किती लोक मजुरी करतात 100। धुले और नाशिक में डॉक्टरों पर हुए हमले का विरोध करते हुए बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में मोर्चा निकाला गया।
ये मोर्चा तहसील कार्यालय पर निकाला गया, जहां इस घटना का विरोध करते हुए तहसीलदार को निवेदन दिया गया। महाराष्ट्र के धुले और नाशिक में डॉक्टरों पर हुए हमले का विरोध पूरे राज्य में सभी डॉक्टर मोर्चा निकाल कर रहे हैं। इस घटना का विरोध बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में भी तहसील कार्यालय पर मोर्चा निकाल कर किया गया। इस दौरान इस घटना का विरोध करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। डॉक्टरों पर हुए हमले का विरोध करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आंदोलन कर रहे सभी डॉक्टरों को ये भी जानना जरूरी है कि डॉक्टर की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो अपने पेशेंट की जान बचाए और उन्हें बेहतर सेवा दे। लेकिन आज महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल के कारण कई मरीजों को तकलीफों से जूझना पड़ रहा है, जिसकी ओर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। डॉक्टरों जे हल्ले होता है त्यांचा आम्ही सर्व डॉक्टर असोसिएशन ने निषेध केलेला आहे, पण तहसीलवर मोर्चा नेलेला आहे। तसंच पोलीस स्टेशनवर भी ठाणेदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। औरंगाबाद, धुळे, जालना आणि नाशिक या इथे जो डॉक्टरांवर हल्ला झाला त्यांचा आम्ही निषेध व्यक्त। नाशिक येथे जे डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत त्यांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि सरकारने आम्हाला डॉक्टरांना सुरक्षा देण्याचं प्रदान करावी असं मी निवेदन करते। बारामती शहर में स्थित नगर परिषद कार्यालय पर अपनी विविध मांगों को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे जो पानी और घरों के पट्टों में छूट की मांग कर रहे थे। बारामती शहर में स्थित नगर परिषद कार्यालय पर पानी और घरों के पट्टों में छूट की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में शामिल सभी लोग सुबह से ही ढोल और नगाड़ों को बजाते हुए नगर परिषद के सामने आंदोलन पर बैठ गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। तमाम शेतकऱ्यांचं कर्ज मुद्दल आणि व्याजासह माफ व्हावं असं म्हणत असतात, परंतु त्यांच्याच गावच्या नगरपालिकेत त्यांची सत्ता असताना या इथं मात्र मुदलीपेक्षा दुपटीनं जास्तीचं दंड आणि व्याज जी आकाराप्रमाणे लावण्यात आलेलं आहे ते त्यांनी नगरपालिकेला सांगून, नगराध्यक्षांना सांगून, त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना सांगून तात्काळ एखादा ठराव केला तर संपूर्ण गावातल्या जनतेला एक मोठा न्याय मिळेल, त्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा। बहुतेक त्यांना हे माहिती नव्हतं की आपल्या गावात मुदलीपेक्षा दुप्पट व्याज घेतलं जातं, म्हणून आज आम्हाला ही आंदोलन करण्याची वेळ आली। आम्ही बारामती विकास आघाडी आणि भाजपच्या माध्यमातून आज आंदोलन केलेलं आहे। अध्यक्षांना जो काही निरोप द्यायचा तो दिलेला आहे, त्यांनी येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत वरील विषय घेऊन त्याबाबत शास्ती माफ करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे। त्याच पद्धतीनं जे ढोलबाजा लावून वसुली चालू होती ती तात्काळ त्यांनी बंद केलेली आहे आणि आम्ही जे आंदोलन केलं त्याला काही प्रमाणात त्यांनी प्रतिसाद देऊन त्या पद्धतीने वागण्याचं कबूल केलेलं आहे, त्यामुळं आज आम्ही आमचं आंदोलन तात्पुरतं। पाणीपट्टी, घरपट्टी आणि जे काही बारामती शहरामधील गाळाधारक आहेत त्यांच्यावरती जे इंटरेस्ट आणि पेनल्टीचं जे जीजीआ कराच्या रूपानं बारामती नगरपालिकेने जे काही कर लावलेला आहे तो करामध्ये 167 आणि 167 अनुसार जर नगरपालिकेने प्रस्ताव करून शासनाला पाठवला तर त्यामधून आपल्या बारामतीच्या तमाम नागरिकांना त्या व्याज आणि शास्तीमधून माफी मिळू शकते, त्याच्यासाठीच आम्ही हे आज आंदोलन केले। इस नगर परिषद पर राष्ट्रवादी की सत्ता है। जैसे ही इस मोर्चे का समापन हुआ तो नगर अध्यक्ष पूर्णिमा तावरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर विचार करने की बात कही। गुजरात के अहमदाबाद जिले में रायखड़ से बुद्धिस्ट परंपरा से हुई विदेशी युवक की शादी की खबर सामने आई है। इस युवक का नाम हाई गोग बताया जा रहा है, जो चाइना का रहवासी है, जिसने भारतीय लड़की से बुद्धिस्ट परंपरा से शादी की है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के रायखड़ में पल्लवी गौतम नाम की लड़की से चाइना के हाई गो ने बुद्धिस्ट परंपरा से शादी की है। विदेशी युवक ने बुद्धिस्ट परंपरा से शादी करने के बाद ये शादी एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बाद गुजरात में सभी जगहों पर इसकी चर्चाएं भी बड़ी जोरों शोरों से हो रही है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम में अखिल भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया। वृद्ध पेंशन और किसानों की समस्या को लेकर यह आंदोलन किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। बिहार के रोहतास जिले में स्थित सासाराम में अखिल भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन किया। वृद्ध पेंशन और किसानों की समस्या को लेकर यह आंदोलन किया गया। यह आंदोलन शहर में स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया गया, साथ ही अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया, जहां बड़ी संख्या में किसान मौजूद। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था, लेकिन जिलाधिकारी ने आश्वासन
एक भी मांग पूरा न हो। सच ये है कि जिलाधिकारी केवल दिखावे के लिए अपने मातृत्वाधिकारियों को आदेश और निर्देश देते हैं। सच ये है कि इनके मातृत्वाधिकारी जो भी मातृत्वाधिकारी है कोई भी मातृत्वाधिकारी। चंद्रपुर महानगर पालिका के कंत्राटी कामगार हड़ताल में जाने की तैयारी में है। निर्धारित वेतन न दिए जाने पर विदर्भ प्रहार कामगार संगठन के नेतृत्व में 25 मार्च को आंदोलन किया जाएगा, ऐसी जानकारी दी गई। इन कामगारों में वैद्य विभाग, सफाई और पानी कामगार का समावेश है। महाराष्ट्र शासन के अधिसूचना के अनुसार महानगर पालिका कर्मचारियों को शासन निर्धारित वेतन दर के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर विदर्भ प्रहार कामगार संगठना की ओर से इससे पूर्व अनेक निवेदन दिए गए, अनेक तकरार सादर की गई। महानगर पालिका उन तकरारी के संदर्भ में महानगर पालिका आयुक्त साहब ने एक 25 मुद्दों के आधार पर एक आदेश भी निकाला गया, लेकिन उस आदेश का पालन आज तक महानगर पालिका के कर्मचारियों तथा यंत्रणा के माध्यम से नहीं हो पाया। और इन सारी बातों का निषेध करते हुए विदर्भ प्रहार कामगार संगठना की तरफ से आने वाली 25 तारीख से हर एक कामगार जो कीमान वेतन यानी न्यूनतम वेतन से वंचित है, वो सारे कामगार 25 तारीख से स्ट्राइक पर जाने वाले हैं, जिसमें पानी पुरवठा विभाग भी सम्मिलित है, सफाई विभाग भी सम्मिलित है, आरोग्य विभाग भी सम्मिलित है तथा एवं बाकी जो विभाग है सैनिटेशन डिपार्टमेंट से और इन सारे डिपार्टमेंट से संबंधित वो सारे विभाग सम्मिलित है। मी सफाई महानगर पालिका चंद्रपूर सफाई कामगार कैलास सलून वारंवार निवेदन देऊनही आम्हाला आजपर्यंत किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळालं नाही, त्याच्यासाठी आम्ही येत्या 25 तारखेला स्ट्राईकवर जात आहे, याची दक्षता शासनाने घ्यावी आणि ताबडतोब आमचं किमान वेतन आम्हाला देण्यात यावं। कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये आम्ही 13 वर्षापासून काम करीत आहे, पाणी पुरवठा या पदावर काम करीत आहे आणि आम्ही वारंवार महानगरपालिकेमध्ये जाऊनसुद्धा आम्हाला पेमेंटसुद्धा दर महिन्याला मिळत नाही, 3-3 महिन्याचा आमचा पेमेंट थकीत राहतो व आम्हाला आता जे शासनाने ठरवून दिलेले किमान वेतन आहे ते वेतन आम्हाला मिनिमम वेजेसनुसार देऊन राहिले नाही आहे। आम्ही त्याच्याबद्दलसुद्धा आयुक्त साहेबांना भेटलो होतो, परंतु आयुक्त साहेबांनी आदेश काढला पण त्या आदेशाचं पालन आमचे ठेकेदार लोक वगैरे करून राहिले नाही आहे। तरी आमचं जर समजा 25 तारखेपर्यंत आम्हाला मिनिमम म्हणजे वाढीव वेतन मिळालं नाही तर आम्ही 25 तारखेपासून पूर्णच पाणी पुरवठा कर्मचारी संपावर जायची इशारा करतो। उस्मानाबाद जिला परिषद में राष्ट्रवादी को जीत मिली है। पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन इस बार उस्मानाबाद जिला परिषद चुनाव में किसी भी पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रवादी को सर्वाधिक सीटें मिली है, जिस पर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। पिछले 10 सालों से उस्मानाबाद जिला परिषद में कांग्रेस ने अपनी जीत हासिल की थी, लेकिन इस दफा किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने से इस बार का चुनाव दिलचस्प था, लेकिन अधिकतर सीटों पर राष्ट्रवादी की जीत हुई। अध्यक्ष पद पर नेताजी पाटिल और उपाध्यक्ष पद पर अर्चना पाटिल का चुनाव हुआ। वहीं महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव में भाजपा का कमल खिलता नजर आया, लेकिन उस्मानाबाद जिले में भाजपा की हार हुई। बुलढाणा की खबर की ओर, बुलढाणा जिला के सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को होने वाली असुविधा और गंदगी के कारण मरीज परेशान है, जिसके विरोध में बुलढाणा शहर में कांग्रेस कमेटी ने अपनी विविध मांगों का निवेदन जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोनटक्के को दिया। आवश्यक है ना, आयएमसी आपने एक निवेदन आज मांग आयएमसी राठौड़ सिंह मी बोलो प्रेसिडेंट है खासगी डॉक्टर लोकान थोड़े रिजनेबल गोरगरीब लोग बरोबर अशी फीस ठेवा म्हणलं 300 रुपये आधीच होते, कारण की जो ऍक्ट आणखीन पास आपल्या त्यांच्या फीवर किंवा एखाद्या तपासणीवर स्टँडर्ड जो असा प्रोटोकॉल करायचा आहे की लघवीची तपासणी सगळ्या दवाखान्यात फक्त 30 रुपये घ्यावी, कोणी 50 घेते, कोणी 100 घेते, असं जो हा असा युनिफॉर्मिटीचा जो म्हणजे काय म्हणणार रेट लिस्ट अशी काही याच्यावर काही सीएचचं नियंत्रण नाही। कोल्हापूर जिले के हातंगले तहसील के अंतर्गत आने वाले पट्टे कोंडोली में प्रेरणा धम्म संस्कार केंद्र की ओर से 26 मार्च को 5वां धम्म परिषद का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी शशिकांत खांडेकर इन्होंने शहर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी। आदरणीय पत्रकार बंधु सर्व उपस्थित मान्यवर, या ठिकाणी
दिनांक 26 मार्च 2017 या दिवशी आपल्या पट्टण बोडोली बौद्ध समाज आणि प्रेरणा धम्म संस्कार केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक धम्म दीक्षा सोहळा आणि धम्म परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आदरणीय पहिल्या सत्राचे प्रमुख अतिथी यामध्ये आदरणीय एस बी कांबळे सर, खाना अप्पाजी अवघडे, विशिष्ट सोसायटी ऑफ इंडिया यांचं प्रमुख मार्गदर्शन या ठिकाणी होणार आहे। या दोन सत्रामध्ये होत असलेला हा कार्यक्रम, या कार्यक्रमामध्ये आपण सर्वांनी उपस्थिती दाखवावी अशी मी आपल्याला सर्व समाज बौद्ध समाजाला बहुजन समाजाला त्याचबरोबर सर्वांना या ठिकाणी नम्र विनंती करतो। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मौजूदगी में महार सत्याग्रह किया गया। इस दिवस को हर्षोल्लास के साथ महाराष्ट्र में मनाया जाता है और इस दिन के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में इस दिवस के अवसर पर विठल गायकवाड़ इन्होंने सार्वजनिक प्याऊ की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन सुरेश गायकवाड़ इनके हाथों किया गया। महार सत्याग्रह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया। ये एक प्रभावी सत्याग्रह था, जिसके बाद सभी दलित वर्ग के लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर जाना और पानी पीने के लिए अधिकार दिए गए। पूरे महाराष्ट्र में इस दिवस पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में इस दिवस के अवसर पर विठल गायकवाड़ इन्होंने सार्वजनिक प्याऊ की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन सुरेश गायकवाड़ इनके हाथों किया गया। उपक्रमशीलता असेल तरी आपल्याला सिद्ध करता येत नाही अशी परिस्थिती आहे। थोडा बहुत प्रयत्न विठ्ठल गायकवाड आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी या इथे प्रयत्न केलेला आहे। विठ्ठल गायकवाडचा सगळ्यात चांगला गुण मला जो वाटतो तो हा की उपक्रम हाती घेण्यासाठी म्हणून जे काही अर्थार्जन करावं लागतं त्या छोट्या मोठ्या गोष्टीसाठी तो कुणाकडे मागायला बसत नाही। ती त्याची आर्थिक तयारी सुरुवातीला असते, त्याच्या स्वभावामध्ये आजही विठ्ठल मला असा प्रौढ कधी वाटला नाही। साठी सत्याग्रह केला होता आणि आपल्याला सगळं काही जे काही मिळतं आहे त्याचं फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच मिळतं। आणि आजचा दिवस हा एवढा आपल्यासाठी पवित्र की ज्यासाठी पाण्याची गंगा वाहून जात होत्या, तळे भरलेले होते, तरी पण आपल्याला एक पाण्याचा टेंबही मिळत नव्हता। आणि बाबासाहेबांना 14 तळ्याचा सत्याग्रह करून पाण्याचा आपल्याला सर्वांसाठी पाणी फुलं करून दिलं। आणि ह्याच दिवसाचं औचित्य साधून आम्ही बऱ्याच दिवसांपासून हा पाणपोईचा आपल्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांमुळेच या रस्त्यावर आपल्याला स्वतःचं घर आहे, स्वतःचा बोर आहे। आणि ह्याच उद्देशानं आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आज के जय भीम इंडिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय भीम।